झारखंड मंडरा जिला साहेबगंज के अमड़ाबाडो गांव में पिछले 2011 से 2013 तक का इंदिरावास अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें से समरा पर अत्यंत गरीब घर का है और वह एक दूसरे के घर में मजदूरी करके अपना परिवार का पालन करते हैं। केवल समरा पड़िया ही नहीं और 8 लोगों का घर भी जैसा कि तैसा पड़ा हुआ है। 2011 में शुरू हो गया, उसके बाद 12 में पायरिंग कर दिया, छत न प्लास्टर भी नहीं किया, डराई भी नहीं किया, छत ये ताली भी नहीं है, कुछ नहीं दिया, ऐसे पायरिंग करके गया। ये कितना का है मालूम है? कितना मतलब कितना लाख का है? वही 1 लाख का स्कीम का। हम लोगों को पैसा नहीं मिला, लेकिन अपने आप लोग मतलब ठेकेदारी को किया, उसके बाद वही मतलब लिस्ट में नाम आया था, उसी समय दिखा है। यहाँ पर मुखिया को सूचना नहीं दिए हैं क्या? सूचना तो दिए, वो तो अपने गांव का आदमी है, तो क्या बोलेंगे। सब आया, वीडियो आया, डीडीसी की क्या वो भी आया, वो लोग बोला काम करेंगे काम करेंगे, लिख के फोटो करके ले गया, कुछ काम नहीं किया। आगे तो बढ़ाना ही चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का घर का तकलीफ है, ऐसे तो हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आखिर हमारे आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोगों के ऊपर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या हमारे लिए सरकार ने अच्छा घर में रहने का अधिकार नहीं दिया है? मैं भी इसी समुदाय में शामिल हूँ और मुझसे देखा नहीं जाता। जिला विकास पदाधिकारी श्री मुथु कुमार के फोन नंबर 06436222022 पर कॉल करके दबाव डालें, ताकि अम्बड़ाबेडो गांव में फिर पुनः इंदिरावास बन सके। मैं संजू मल्तो, जिला साहेबगंज, झारखंड, इंडिया अनहाइट से।